अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS601 का जो मेन कोर्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला 1 से लेके 17 टॉपिक्स तक जो है वो आपका लेक्चर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। हम सबसे पहले इस स्लाइड के अंदर जो है वो कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, द नीड फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हम इसके अंदर पढ़ते क्या क्या हैं, तो हम इसके अंदर कम्युनिकेशन की नीड नहीं, हमें क्यों बात सर वीडियो नहीं आ रही, ट्रेंड्स और एडवर्टाइजमेंट्स हम करते हैं, यानी कि जो हम बातचीत करते हैं उसके ऊपर, जिस तरह मूवीज बनती हैं, ड्रामास बनते हैं, उसके ऊपर हम जो क्या है वो एक ट्रेंड चलाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, ये तमाम चीज़ों के कोर्सेज हैं, हम टिकट्स बाय करते हैं वगैरह वगैरह, इस चीज़ को स्किप करें। नेक्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन के ऊपर, तो कम्युनिकेशन हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी कि आप अपनी, जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये मेरी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोकल और रिमोट। लोकल का मतलब है कि आप फिजिकली तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और रिमोट का मतलब है कि आप वर्चुअली कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह मैं आपसे कर रहा हूँ आप मुझसे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। अब टेली कम्युनिकेशन क्या होती है जी? टेली कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर जो है वो टेलीफोन, टेलीग्राफ या टेलीविजन शामिल होता है, जिसके अंदर इंटरनेट शामिल होता है। देखें, टेलीफोन का मतलब है कि टेलीफोन, यानी कि आप बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन के जरिए, आप जो है वो टेलीग्राफ के जरिए बातचीत कर रहे हैं, लाइक द इंटरनेट आप टेलीविजन के जरिए बातचीत कर रहे हैं, और डेटा कम्युनिकेशन जिसका मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हैं अपने डेटा को बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान अगर डेटा जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, जिस तरह मेरी आप तक आवाज़ पहुँच रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे हम आते हैं सिंपल कम्युनिकेशन के ऊपर, तो देखें ये सोर्स सिस्टम है। सोर्स सिस्टम का मतलब होता है जनाब वो सिस्टम जो आप जनरेट करते हैं, इस चीज़ को मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। तो देखें, आपने ये बात याद रखनी कि सोर्स सिस्टम यानी कि जहाँ से जनरेट हो रहा है, जिस तरह मेरा कंप्यूटर आपके लिए सोर्स है, उसके आगे ट्रांसमीटर आता है जो कि मेरी आवाज़ को आप तक ट्रांसमिट करता है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो कि हमारी आवाज़ को 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन करता है, उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है, और आखिर में डेस्टिनेशन तक उसको एज इट इज डेटा को जो है वो पहुँचाया जाता है। तो ये आपके पास सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर जनाब। तो अफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के जो अफेक्टिव्स हैं, यानी कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं कि डेटा को हम डिलीवर करते हैं। अब जब डेटा डिलीवर हो जाए, तो डेटा हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डिलीवर हो, डेटा टाइमलेस हो, और डेटा जिटर हो। अब JITER इसका क्या मतलब है, इसको आने वाले आइंदा हम जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर देखेंगे। लेकिन देखिए, करेक्टरिस्टिक्स में आपने चार चीज़ें याद रखनी है कि डेटा की डिलीवरी, डेटा की एक्यूरेसी, डेटा टाइमलेस हो यानी कि डेटा जल्दी पहुंच जाए, और डेटा जिटर हो। अब इसके अलावा इसको डिटेल्स हम देखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि आप इसको स्लाइड से ही प्रिपेयर करेंगे, आपके पास कोई हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है, एक रेफरेंस बुक है, और उस रेफरेंस बुक में ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें डिटेल से लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। जो मैं आपको कम्युनिकेट करके बता रहा हूँ, वही चीज़ें आप लोगों को रिटन फॉर्म में मिलती हैं। अब देखिए, वो सिस्टम इसने जो है वो आपको बताया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्रिएट करके, एक डायग्राम को क्रिएट करके देखें, जिस तरह सोर्स है, फिर दोबारा से ट्रांसमिशन है, फिर दोबारा से ट्रांसमिशन सिस्टम है, रिसीवर है, और डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे कुछ आपको बता रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर इनपुट इन्फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसमिटेड सिग्नल्स कौन से हैं, एक आउटपुट सिग्नल क्या है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में और स्लाइड में इस चीज़ को डिटेल से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल आपको एक खूबियाँ बताई जा रही हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं, तो कंपोनेंट्स इसके 5 है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका कि डेटा कम्युनिकेशन हैज 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन हैज 5 कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी? पहला कंपोनेंट है सेंडर का, एक मिनट आ रहे हैं, ये देखें। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्रोटोकॉल है, देखें। अब इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है सेंडर, फिर मैसेज, और फिर रिसीवर। अब प्रोटोकॉल्स भी हैं और इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं, लेकिन हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कंपोनेंट्स उसको आपको इसने आपको ना आगे एक स्लाइड की फॉर्म में बताया होगा, ये देखें, फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले कंपोनेंट्स दोबारा देख लीजिए। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि 5 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है जी मैसेज जो कि आप ट्रांसमिट करते हैं। मैसेज में प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। जिस तरह मैं देखें आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जो है, या आप इस क्लास में जो रेगुलर क्लासेस पे क्या करने आए हैं, इस पे आप पढ़ने आए हैं, इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई से रेलिवेंट बात करनी है। ये हमारा प्रोटोकॉल है कि हमने बातचीत करने के एक स्पेसिफिक रूल्स रखे हुए हैं कि आपने आपकी लैंग्वेज में बात करनी है, आपने टू
या मैं की लैंग्वेज में या तू ताकि लैंग्वेज में बात नहीं करनी। तो इसी तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो आपके कंप्यूटर को रूल्स बताने पड़ते हैं कि ये रूल्स हैं, डेटा एक्यूरेट जाए, डेटा टाइमलेस जाए, डेटा टाइमली जाए, और ये तमाम चीज़ें आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये कंपोनेंट्स याद रखिएगा, 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो ये वाले हैं, ठीक है। एक सेंडर है, एक मैसेज है, एक रिसीवर है, और उसके 2 रूल्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो डेटा हम प्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो डेटा मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट किया जाता है। डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट है। डेटा को नंबर्स की फॉर्म में, यानी 0101 जो भी नंबर आपके पास या हेक्साडेसिमल हो सकता है। हम इमेजेस की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, हम ऑडियो की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और हम वीडियो की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बनता है। अब फ्लो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास 3 तरह से फ्लो होता है। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी इस चीज़ को गौर से समझिएगा। सिंप्लेक्स का जो बेसिक मतलब होता है ना, सिंप्लेक्स का बेसिक मतलब होता है कि आपने डेटा को फ्लो करना है वन साइड। यानी कि ये देखें, ये आपके पास सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है। अब इसका मतलब है कि एक सिर्फ डेटा जो है वो एक तरफ सेंड हो सकता है, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा सेंड होता है सिंप्लेक्स मोड के अंदर। दोबारा सुन लीजिए, सिंप्लेक्स मोड में डेटा सेंड होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। जैसा देखिए यूट्यूब है, अगर यूट्यूब पे आप डेटा सुनते हैं तो क्या होता है, आप सिंपल मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन अब आप अपने वहाँ पे, आप अपने घर में सुन रहे हैं, आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं, आप जो मर्जी बोलें वो आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ सकती है। तो ये सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड हम कहते हैं जनाब कि डेटा दोनों तरफ सेंड होता है, लेकिन डेटा एट द सेम टाइम जो है वो हम सुन नहीं सकते। पुराने ज़मानों में क्या था, जिस तरह देखिए मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँ, आप फ़ोन पे मुझसे बात कर रही हैं, अब मैं जब बोलूँगा तो आपको सुनना पड़ेगा, जब आप बोलेंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा। अगर आप भी बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ साइमल्टेनियसली एक साथ, तो क्या होता है, हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा डेटा कोलाइड हो जाता है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास किसी तरह से भी डेटा सेव नहीं रहता। आगे हम आते हैं फुल डुप्लेक्स मोड पे। डायरेक्शन ऑफ ऑल डेटा एट ऑल द टाइम, इसके अंदर हमारे पास ये लेटेस्ट है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी के मुताबिक है कि आप सेंड भी कर रहे हैं डेटा, एट द सेम टाइम आप रिसीव भी कर रहे हैं। जिस तरह आप भी फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं और मैं भी आपसे बात करूं, फ़र्ज़ कर लें कि किसी को कोई बहस हो रही होती है तो वो आपस में बोल रहे होते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली डेटा को सुनते हैं, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर। सॉरी, नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क, यानी ऐसा वर्क जो कि आपको इंटरकनेक्शन तौर के ऊपर एक ऐसी कम्युनिकेशन का जनरेट करने का जरिया बनता है। यानी कि नेटवर्क वो होता है जिससे आप रिमोटली कम्युनिकेट करते हैं। अब आप वायर्स के जरिए नेट को जो है वो नेटवर्क बना सकते हैं, आप वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं, तो आइंदा आने वाले लेक्चर में आप डिटेल से देखेंगे। तो नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ अ डिवाइस कैपेबल ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब 2 तरह से हम पढ़ेंगे, एक होता है होस्ट, होस्ट एक कंप्यूटर का नेम होता है, और एक होता है कनेक्टिंग डिवाइस, जिसके जरिए हम अब अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या मामला आता है, ये क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब देखें जी, नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या होता है, नेटवर्क मस्ट बी एबल, यानी आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जो मीट करे सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया पे। यानी ये जो आपको क्राइटेरिया नज़र आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो आपके नेटवर्क को क्रिएट होना चाहिए। क्या कि वो परफॉर्मेंस करता हो, यानी कि आपका नेटवर्क अच्छी परफॉर्मेंस देता हो। परफॉर्मेंस में 2 चीज़ें, एक होता है थ्रूपुट और एक होता है डिले। इसको आप आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी सिंपल आपको एक इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। एक होती है रिलायबिलिटी और एक होती है सिक्योरिटी। यानी कि आपका जो नेटवर्क क्राइटेरिया है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस में क्या चीज़ आती है, थ्रूपुट और डिले। डिले का मतलब ये होता है कि आपकी, और थ्रूपुट का ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपका डेटा, फर्ज कर लें ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, आपका डेटा क्या हो रहा है, आपका डेटा कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो डेटा सेंड हो रहा है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये रिलायबल हो, ये डिले ना करे, यानी कि टाइमली डेटा पहुंच जाए, ये रिलायबल भी होना चाहिए और इसका सिक्योर भी होना चाहिए। यानी कि इस डेटा को ये ना हो कि दरमियान में आपका डेटा सब सुनते जा रहे हैं और आपका डेटा हैक होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो इस तरह से आप नेटवर्क को क्रिएट करते हैं जो कि आपके तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता हो। अब फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, फिजिकल स्ट्रक्चर ये है कि फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे पास लिंक्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्लास का लिंक सेंड किया, आपने लिंक पे क्लिक किया, आप क्लास में आ गई, तो ये आपके पास लिंक्स हैं। अब 2 तरह के टाइप्स होते हैं कनेक्शन के, यानी लिंक की 2 तरह के टाइप्स हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट, एक है मल्टी पॉइंट। ये अभी आपका एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है और मल्टी पॉइंट क्या होता है। तो ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम किस चीज़ को कहते हैं, ये आपका एक कंप्यूटर है
ये आपका दूसरा कंप्यूटर है। अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करना ये आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाता है या पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल एक ही कंप्यूटर से दूसरे और दूसरा भी खाली एक, यानी सिंपल अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे एक कंप्यूटर के साथ अटैच होगा उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर कहते हैं। और मल्टी पॉइंट का मतलब है ज्यादा पॉइंट, नाम से पता लग रहा है आपको। अब देखें एक कंप्यूटर है, एक डिवाइस है, ये सब कंप्यूटर्स के साथ अटैच है, जिस तरह इंटरनेट है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मल्टी पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर या मल्टी पॉइंट फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क्स का अवेलेबल है। अब सिंपल आपको जो है वो टिपोलॉजीज के बारे में बता रहा है, फिजिकल लेआउट क्या होता है, लिंक्स, और देखिए आपके पास एक फार्मूला है इसको याद रखिएगा, टिपोलॉजीज। अब टिपोलॉजीज की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, टिपोलॉजीज क्या होती हैं उसको मैं आपको अभी गाइड करता हूँ, लेकिन इससे पहले इसका फार्मूला देख लें, लिंक्स प्लस नोड्स। अब लिंक्स क्या है और नोड्स क्या है, देखें फर्ज करें ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इसको आप कहते हैं जी हम इसको लिंक करवा रहे हैं, इसको इसके साथ लिंक करवा रहे हैं, इसको इसके साथ लिंक करवा रहे हैं और इसको इसके साथ लिंक करवा रहे हैं। अब देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो लिंक्स, इसको हम कहते हैं लिंक। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस नोड को इस नोड के साथ लिंक करवाया, तो इसको आप नाम देंगे जनाब लिंक्स का, ठीक है। और अगर आप कहते हैं ये जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क की जुबान में या डेटा कम्युनिकेशन की जुबान में हम इसको नोड्स कहते हैं। नोड्स का मतलब कंप्यूटर्स, और जो आप ये जो लिंकिंग करवाते हैं बाय यूजिंग द वायर्स बाय यूजिंग द नेटवर्क, उसको हम लिंक कहते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों प्लस होते हैं तो आपके पास एक टोपोलॉजी बनती है, यानी कि टोपोलॉजी हम उस चीज़ को कहते हैं, या टोपोलॉजी एक ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर का नेम है जिसकी मदद से मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ बाय रिमोटली, यानी कि मैं अपने घर बैठा हूँ, आप अपने घर बैठे हैं, तो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर बाय यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, तो उसके ज़रिए हमें टोपोलॉजी चाहिए। तो टोपोलॉजी का मतलब है कि आपने कम्युनिकेट करना है। अब मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं, एक मैश टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है, एक बस टोपोलॉजी है, और एक रिंग टोपोलॉजी है, जो कि हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं जी अपनी मैश टोपोलॉजी के ऊपर। चलिए मैंने आपको बता दिया टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजीज के आगे फर्दर टाइप्स हैं, इसको देखने के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये देखें मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी इस तरह से होती है, ये आपके पास वर्क स्टेशन हैं जी, और वर्क स्टेशन आपके पास देखिए आपस में सब जुड़े हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसको हम कहते हैं ये मैश टोपोलॉजी है। तो हर यानी हर कंप्यूटर अदर कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच हुआ होगा, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी होगी। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मैश टोपोलॉजी, तो आपने बताना कि एवरी कंप्यूटर इन मैश टोपोलॉजी कम्युनिकेट टू एन अदर कंप्यूटर इज नोन एज द मैश टोपोलॉजी। सिंपल सा काम होगा, और ये डायग्राम बना दें, सिंपल सी डायग्राम है, आपने एक नोड बनाना, यानी कंप्यूटर बना सकते हैं आप, डब्बा भी बना सकते हैं आप, उसमें अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये काम है। नेक्स्ट हम आते हैं जी स्टार टोपोलॉजी भी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम हब कहते हैं। अब इसके आगे हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब ये इस तरह समझ लें कि मेरी आपको YouTube पे वीडियो सुनते हैं, या आप किसी भी YouTube पर की कोई वीडियो सुनते हैं क्रिएटर की, तो वो YouTube का सर्वर आपके साथ अटैच होता है, और आप उस सर्वर से डेटा को फाइंड करके अपने रिजर्व करते हैं और आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो सर्वर है बेसिकली उसको हम हब कहते हैं, और आप जो कंप्यूटर आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम जो है वो ये वाले दूसरे कंप्यूटर, या हम उसको जो है वो क्लाइंट्स कंप्यूटर का नाम देते हैं। तो सिंपली आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। आगे बस टोपोलॉजी, बसेस हम कहते हैं बेसिक लाइंस को, यानी कि आपके पास भी इस तरह की लाइंस अवेलेबल हैं जिसको हम बसेस कहते हैं, तारों को बसेस कहा जाता है। एक केबल होती है, इस केबल में इंटरनेट की डिवाइस या इंटरनेट रखा जाता है, यानी कि आप समझ लें वही काम जो आप करते आ रहे हैं, आगे राउटर यानी एक डिवाइस लगी होती है, और वहाँ से आपकी जो डेटा होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। इसी तरह आपने समझ लें कि ये आपके पास एक कंप्यूटर है, इसको आपने एक वायर के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, दूसरा आगे लगा हुआ है, उसको एक दूसरी वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तीसरा लगा हुआ है, तो इस वायर के जरिए आपका डेटा जो है वो सेंड हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर, इसको हम जो है वो बस टोपोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। तो रिंग टोपोलॉजी में एक सिंपल सी एक रिंग बनी होती है, ये देखें, अब इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है, देख रहे हैं आप, तो इस तरह से एक रिंग बनी होती है, एक सर्कल टाइप रिंग होती है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह ये आपके नोड्स बनते जाएंगे और ये आपके पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती चली जाएगी, इसको हम रिंग टोपोलॉजी का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। नेटवर्क के टाइप, नेटवर्क की बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, नेटवर्क को आप साइज के लिहाज से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, जियोग्राफिकल कवरेज और ऑनरशिप। अब नेटवर्क की बेसिक तीन टाइप्स हैं, एक होता है लैन, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और एक आखिरी होती है वो होती है, अच्छा ये भी इसने सिंपल इतना सा बताया, लेकिन इसके अलावा एक और होती है मैन, MAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे।
अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये यूजली प्राइवेट ऑनर होता है। जिस तरह आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं, आप कोई हॉटस्पॉट अपने मोबाइल का ऑन करते हैं, तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। यानी अगर आप एक कमरे तक अपने नेटवर्क को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक बिल्डिंग तक नेटवर्क को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लैन का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे आप होस्ट को यानी कंप्यूटर्स को एक बिल्डिंग में देखें, सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और एक कैंपस के अंदर जो है वो कनेक्टेड करवा सकते हैं। अब ये भी आप जो आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है, तो घर का जो राउटर आपको पूरे घर में सिग्नल दे रहा होता है, पूरी बिल्डिंग में सिग्नल दे रहा होता है, वो भी आपका लैन नेटवर्क होता है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने एक छोटे एरिया के ऊपर लैन को फाइंड आउट करना होता है। ये देखें लोकल एरिया नेटवर्क में ये नेटवर्क की लाइन जा रही है, ये बसेस जा रही है, इसके अंदर नेटवर्क की जो अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद है। अब आपका हर कंप्यूटर हर पोस्ट यहाँ से डेटा को उठा लेगा। नेक्स्ट आते हैं जी हम वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। वाइड आपको नाम से पता लग रहा है कि वाइडर होता है। इसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करवाया जाता है। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी मदद से आप एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट करवाते हैं, एक टाउन को दूसरी टाउन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ये देखें आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कंट्री टू कंट्री और इवन अ वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया में भी इस चीज़ को जो है वो नॉर्मली तौर पे कनेक्शन करवा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन कंपनीज को, यानी मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं वो अपने बड़े बड़े नेट, जिस तरह जैज कंपनीज हैं, ये आपको जो इंटरनेशनल पॉइंट पे जो है वो डेटा प्रोवाइड करती हैं। देखें जैज कंपनी क्या करती है, या टेलीनोर है, या जो जोंग कंपनी है, जो भी कंपनीज है, यू फोन है। अब इसमें आप लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, एबटाबाद में हैं, कराची में हैं, सिंध में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपको जैज के हर जगह सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि वो वाइडर एरिया पे उन्होंने खंबे नस्ब किए होते हैं, और वहाँ से आपके पास जो डेटा आ रहा होता है, वहाँ से आपको जो सिग्नल आ रहे थे वो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। अब इसके अंदर आगे फर्दर हम टाइप्स पढ़ते हैं जी, पॉइंट टू पॉइंट वैन की, स्विच वैन की, और इंटरकनेक्टेड या इंटरनेट वर्क की। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक खाली कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होगा, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। स्विच का मतलब होता है जी मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं वो आपके साथ अटैच्ड होंगी। जिस तरह यहाँ पे देखें ये एक डिवाइस है, ये सबके साथ अटैच है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ये होल नेटवर्क हमारे पास जो है वो क्रिएट होता है, ये स्विच बन जाता है कि जिसके मदद से आप ओवरऑल जो है वो बातचीत कर सकते हैं। अब इंटरनेट सबको पता है, इंटरनेट का मतलब देखें, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, ये देखें ये राउटर है, अब ये बहुत बड़ा राउटर है जो ये सबको सिग्नल देगा। फर्ज कर लें ये कंट्री है जी, और ये कंट्री है पाकिस्तान की, ये राउटर आपके पास, ये दूसरी राउटर है, ये कंट्री है चाइना की, एक फॉर एग्जांपल। अब देखें चाइना और पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए आपने क्या किया, आपने पॉइंट टू पॉइंट यानी एक राउटर है ये अटैच होगा दूसरे राउटर से, राउटर आकर सिग्नल देता होगा पूरी कंट्री को। तो ये देखें, तो ये इंटरनेट वर्क इस तरह करता है आपका। तो इस तरह से पूरी दुनिया में आप डेटा को बड़ी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, इस तरह से हम जो है वो काम करते हैं। स्विचिंग, स्विचिंग में मैंने आपको बताया सर्किट, अब इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं सर्किट स्विच नेटवर्क की और पैकेट स्विच नेटवर्क्स की। अच्छा, जब भी आप किसी YouTube पे वीडियो देखते हैं ना, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कभी मेरी इस लेक्चर को, मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद, कि एक रेड लाइन होती है, रेड लाइन के आगे आगे एक वाइट लाइन चल रही होती है। अब वो जो वाइट लाइन चलती है ना आपकी, वो बेसिकली आपके पैकेट्स होते हैं, यानी कि सर्वर से आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर पैकेट्स आते हैं, और वो पैकेट्स उसी तरह से होते हैं जिस तरह वीडियो क्रिएट की गई होती है क्रिएटर की जानिब से। तो स्विचिंग का मतलब होता है कि एक सर्किट स्विच नेटवर्क होता है और एक पैकेट स्विच नेटवर्क होता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पैकेट के बारे में बता दिया, आगे जाके डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सर्किट स्विच देखिए, सर्किट में बेसिक क्या होता है, दो आपके पास स्विचेस होते हैं, और आगे फर्दर इसको आपने सिंपल अपने नेटवर्क के साथ, अपने मोबाइल के साथ या टेलीफोन के साथ कनेक्ट करवाया होता है। जबकि पैकेट्स के अंदर भी यही होता है कि आपने जो है वो इस तरह चीज़ों को कनेक्ट करवाया होता है, लेकिन इस पर राउटर्स की फैसिलिटी जो है वो मौजूद होती है। यानी कि आपके पास जो सर्किट स्विचेस हैं इसमें स्विचेस होते हैं, जबकि आपके पास जो पैकेट स्विचेस हैं, मैंने आपको बताया इंटरनेट की एग्जांपल थी, उसके अंदर राउटर्स मौजूद होते हैं आपके पास। इंटरनेट सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, द होल नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क के तमाम तर नेटवर्क्स को अगर मिला दिया जाए, यानी कि सारे नेटवर्क को मिला दिया जाए, तो एक आपके पास नेटवर्क बनता है, डेट इज कॉल्ड द इंटरनेट। अब इंटरनेट से क्या होता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं, और आप मिलियंस ऑफ डेटा, यानी मिलियंस जो है हमारे पास तादाद में डेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड आउट किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, ये देखें ये इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये आपके पास पिनिंग पॉइंट्स है, पिनिंग पॉइंट्स का मतलब है कि इस यहाँ से आपके पास कंपनीज की जानिब से डेटा आ रहा है। अब ये प्रोवाइडर नेटवर्क है, ये भी आपके पास वो कंपनी जो कि आपको एक मेन इंटरनेट से लेके नेटवर्क आके प्रोवाइड करती है, ये सब कस्टमर्स आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डेटा जो है वो क्रिएट होता है, और इस तरह से आप डेटा को फाइंड आउट करते हैं। इंटरनेट की हिस्ट्री बता रहे हैं आपको, ये 1960s के अंदर आया था, इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है।
पहले बहुत सारे नेटवर्क थे जिसमें एक आरपा नेट था, स्विच नेटवर्क था, टीसीपी था, यानी कि ये सब तमाम सारी चीज़ें थी। इन तमाम सारी चीज़ों को अटैच किया गया और एक आखिर में इंटरनेट बना दिया गया। और इसके अंदर क्या था, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये तमाम सारे नेटवर्क्स हैं जो कि आगे जाकर आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स को समझिए और एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए। इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स को देखें तो इंटरनेट जो है वो क्या करता है, ये कुछ आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसको हम REC कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। RFC का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका मतलब है प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड, हिस्टोरिक, एक्सपेरिमेंटल और इंफॉर्मेशनल। अब ये क्या चीज़ें होती हैं इसको आगे जाकर डिटेल से आप डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स को याद रखना, ये बेसिक नेम्स हैं जो कि स्टैंडर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि राइट द स्टैंडर्ड नेम्स ऑफ RFC, और आपका MCQ भी आ सकता है कि RFC स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के नेम सिंपल आपने रटा लगा लेना, याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड आपको बता रहा है, यही आपने जो है वो याद रखनी है, इसकी तरतीब, जिसमें एक्सपेरिमेंटल है जी, प्रपोज स्टैंडर्ड है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है और एक इंटरनेट का स्टैंडर्ड है। और नेक्स्ट हमारे पास शायद इसके बाद लास्ट स्लाइड होगी, मे बी इसको हम चेकआउट करते हैं। तो यही आपकी लास्ट स्लाइड थी जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जा रहा था। लास्ट में आपको इंटरनेट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि आपका इंटरनेट कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज काम करती हैं जिसको हम ISOC और लैब्स कहती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्राइटेरिया जो है वो चल रहे होते हैं, और हम इसको मुख्तलिफ क्राइटेरिया को की मदद से हम इसको समझते हैं। तो ये आपके पास जनाब था 1 से लेके 17 तक टॉपिक्स में भी, और होपफुली कि आपके चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।